वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमेट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का एमएसटी सीटी 2023 के सारे जो पीसीएम के 12 पीसीएम सेक्शंस के एमसीक्यूज हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये हमारा पार्ट टू है केमिकल काइनेटिक्स का। टोटल 12 पीसीएम के फेजेस हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, केमिकल काइनेटिक्स के जो शुरू के चार फेज है उसके एमसीक्यू पार्ट वन में डिस्कस किए, फिर जो बाद के चार फेज है उसके हम इस पार्ट टू में डिस्कस करने वाले, और बाकी के बचे चार फेजेस के एमसीक्यू हम पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे। आपको भी पता है केमिकल काइनेटिक्स से 3 एमसीक्यू फिक्स आते हैं। और अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर टोटल 12 पीसीएम के जो फेजेस हुए थे उनमें केमिकल काइनेटिक्स से 36 एमसीक्यू है। फिर आप बोलोगे सर ये सिर्फ 36 एमसीक्यू करने से क्या फायदा, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने से क्या फायदा? भाई बहुत फायदा है। ये जो मैं इधर क्वेश्चन लिखा हूं ना, अभी तक मैंने सिर्फ 4 फेजेस के एमसीक्यू डिस्कस किए और ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है। आप मेरे को बताओ अगर विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस साल भी रिपीट होगा, ये पूरी गारंटी है। ये सिर्फ रेट के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो दो फॉर्मूले सिर्फ वही पूछते हैं। मतलब पूरा पेपर प्रेडिक्टेबल होता है। क्या सर पूरा केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल है? बिल्कुल पूरा केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल है, फिजिकल तो सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। तो सर क्या आप इसके अलावा कोई और चैप्टर हम पढ़ा रहे हो, आप ऐसा पूछना चाहते हो? तो बिल्कुल, योमेट्स की तरफ से हम आरंभ सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम केमिस्ट्री का सारा लाइन से चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर्स के वीडियो बना के रख दिए, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे वीडियोस हमने डाल दिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आगे के वीडियोस हैं वो भी आपका 5 से 10 दिन में हम फटाफट डाल देंगे क्योंकि पेपर नजदीक आ गए, तो डेली 3-3, 4-4 वीडियो पार्ट वाइज हम फटाफट डाल देंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि सर इसका पीडीएफ भी मिल जाता तो अच्छा रहता विद आंसर, तो आपको वो भी प्रोवाइड हम कर रहे हैं। आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल जाके फॉलो कर लो, वहां आप इसका पीडीएफ भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। अब अगर आपसे मैं बात करूं तो पार्ट वन में मैंने 9th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है, टोटल 4 फेज। पार्ट टू में हम 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और 12th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 ये 4 फेजेस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो है टोटल 4 बार ये अब तक रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो रेट पता है, रेट रेट के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में। एक तो आपको ऑर्डर दिया रहता है, ऑर्डर टाइप का, ए बी टाइप का ऑर्डर वाला जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, और एक तो आपको रिएक्शन देख के रेट लिखना होता है, रिएक्शन देख के। जैसे इसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है वो देख के आपको रेट लिखना है, समझा क्या? और ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप, मैं इसको फिर से डिटेल में बता रहा हूँ, सबसे पहले आप एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है 2A प्लस B गिव्स 3C, अब आपको इसका रेट लिखना है। मुझे बताओ टोटल कितनी एंटिटीज है, 1, 2 और 3 ABC, तो मतलब रेट के फॉर्मूले भी कितने होंगे इस रिएक्शन के लिए, टोटल 3। अब मुझे बताओ A क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या होता है, गायब होता है, डिसअपीयर होता है, तो मतलब माइनस आएगा। डिजिट कितना है इधर, 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, -1/2 dA/dt, समझा क्या आपको, इक्वल टू बी। बी क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है, मतलब माइनस। डिजिट क्या है, 1, तो -1/1, 1/1 को 1 ही लिखते हैं, dB/dt, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड मुझे बताओ सी क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब प्लस। डिजिट कितना है, 3, 3 से डिवाइड करो, 1/3 dC/dt, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया रेट का फॉर्मूला। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, अब आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, जब भी कोई क्वेश्चन है फटाफट ऐसे लिख देने का। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी इज 1.3 × 10⁻⁴, मतलब आपको रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी दिया है, dC/dt आपको दिया है, कितना दिया है, 1.3 × 10⁻⁴ आपको दिया हुआ है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज, लेकिन आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ रहा है, मतलब आपसे -dA/dt पूछ रहा है। सर माइनस क्यों लिखा, डिसअपीयरेंस मतलब माइनस, ठीक है, डिसअपीयरेंस या नेगेटिव साइन शो करना है,
लिख दो रिलेशन, लिख दो ए और सी का। ए और सी का रिलेशन क्या है? माइनस 1/2 dA by dt इक्वल टू प्लस 1/3 dC by dt। आपको क्या चाहिए? माइनस dA by dt चाहिए, मतलब कि क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू dC by dt। बताओ dC by dt क्या है? 1.3 इंटू 10^-4। इसको ऐसा लिख दो, 13 लिख दो, 13 इंटू 10^-5। मैंने 1.3 को 13 लिख दिया। अब मुझे बताओ 13 2 जा क्या होता है? 26, 26 by 3 इंटू 10^-5। कट करोगे तो क्या आएगा? 8.66। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 8.66 इंटू 10^-5 कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन डी दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन डी इसमें राइट है। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है? आपने लिख लिया। देखो ये वीडियोस में मेरे को एक चैप्टर का वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट 8-9 घंटे जाते हैं। अभी ये वीडियो मैं रात को 2 बजे के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्लीज इस वीडियो से आपको प्रॉफिट होगा, बट आप अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करो एमएसटी सिटी को, क्योंकि हमको भी रिकॉग्निशन मिले ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं। 8 घंटे वीडियो बनाते हैं, 6 घंटे एडिटिंग करते, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपने लिख लिया क्या? ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, प्लीज इसको लिख लो, ठीक है, चलेगा? ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन लॉग ए नॉट बाई ए टी एंड टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। देखो आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टोटल इन्होंने 2 ग्राफ बनाए हैं, 2 ग्राफ, और आपके सीटी में यही 2 ग्राफ के स्लोप पूछते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, ये सेकंड टाइम है जो इसके ग्राफ का स्लोप पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एक तो आपको पूछते हैं लॉग ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टी का स्लोप, जो कि इसमें पूछा है। एक और है, एक आपको पूछते हैं लॉग ए टी वर्सेस टी का ग्राफ, ठीक है? ये दोनों एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला अभी तीसरी बार मैं आपको बताने जा रहा हूं। पार्ट वन में भी मैंने 2 बार बताया, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t इंटू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाय ए टी, ए होता है इसका फॉर्मूला। आपको पता भी होगा सबका मतलब, k मतलब रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है? ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है टाइम पे इक्वल टू 0, ए टी मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा है, बचा गया नहीं, बचा कितना है, रिमेन कितना है टाइम पी पे, और टी क्या है? टाइम रिक्वायर्ड। तो आपको क्या पूछा इस ग्राफ में? लॉग ए नॉट ए टी वर्सेस टाइम का। तो एक काम करो, इसको ऐसा फॉर्मूले को ऐसा लिख दो, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई ए टी इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। दिखा, मैंने इसको एक साइड कर दिया और टी को एक साइड कर दिया। जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन आए ना, तो जो वाई एक्सिस पे उसको एक साइड कर दो, एक्स एक्सिस वाले को एक साइड कर दो। अब मुझे बताओ क्या एक ग्राफ ऐसा दिख रहा है, एक इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स की तरह? लॉग 10 ए नॉट बाई ए टी क्या है? y एक्सिस। t क्या है? x एक्सिस पे। तो m क्या होगा? k अपॉन 2.303। आपको तो ये रट्टा हो जाना चाहिए, ये वहां बैठ के अपने को टाइम पास नहीं करना है पेपर में। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए लॉग ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टी का जो स्लोप होता है वो होता है प्लस के अपॉन 2.303। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, बट अभी एक ग्राफ और बचा है, ये वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ए टी वर्सेस टी का इस इक्वेशन में थोड़ा चेंज करो, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी। क्या डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा लॉग के केस में, लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए टी। इतना समझा क्या? अब इसको इधर भेज दो, के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट माइनस लॉग टू द बेस 10 ए टी। मैंने आपको क्या ट्रिक बताया? मैंने आपको ट्रिक बताया वाई वाला एक साइड कर दो, एक्स वाला पूरा एक साइड कर दो। तो क्या ए टी वाई वाला है? तो उसको पूरा एक साइड कर दो, लॉग टू द बेस 10 ए टी इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट, और इसको उधर भेज दो माइनस में, माइनस के टी अपॉन 2.303।
बोलो समझ में आया कि नहीं आपको? अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, ये तो क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है, एक्स आपका क्या है, टाइम हो गया, ठीक है, और एम आपका क्या है, और ये आपका सी हो गया, सी क्या है, लॉग टू द बेस 10 ए नॉट, एम क्या है आपका माइनस के अपॉन 2.303, और एक्स क्या है आपका टी। बोलो आपको समझा कि नहीं? तो अगर ए वाला ग्राफ आया तो क्या आप log at वर्सेस t का ग्राफ है तो क्या उसके केस में भी आप स्लोप बता सकते हो माइनस के अपॉन 2.303, लेकिन ये वाला है तो इसके केस में स्लोप क्या होगा, प्लस के अपॉन 2.303। समझा क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं 11th में shift 1 का थर्ड क्वेश्चन का बात करूं तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक दूसरा क्वेश्चन है अपना, दूसरी बार ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो हाफ लाइफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, 0.693 डिवाइड बाय के, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है, फर्स्ट ऑर्डर का एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला और एक टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला बहुत यूज होता है। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.01 मोल पर लीटर एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज 0.0352 मोल पर लीटर पर मिनट। आप ध्यान से देखो, आपको रेट दिया हुआ है, रेट कॉन्स्टेंट नहीं दिया हुआ है, ध्यान दो, कभी भी ऐसा गलती मत करना, 0.0352 दिया हुआ है। इनिशियल मोल मान लीजिए कि कोई रिएक्शन ए है जो प्रोडक्ट दे रही है बी, तो इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए, और क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि पावर वन ही रहेगा, तो ए का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना दिया है, 10^-2, 0.01 को 10^-2 में कन्वर्ट कर दो, तो पहले तो आप के निकालो तब तो आएगा ना, क्या टी आपके फॉर्मूले में आपको रेट कॉन्स्टेंट चाहिए रहता है, बट आपको उसके लिए हिंट दिया हुआ है, तो पहले आपको के निकालना पड़ेगा, रेट बताओ कितना है, 0.0352, 0.00352 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, 10^-2, ऊपर जाएगा तो क्या 10^-2 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.35। एकदम सिंपल है, यूनिट नहीं लिखने का साथ में बहुत टाइम वेस्ट होता है। बताओ तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 0.693 डिवाइड बाय 0.352। अगर आप देखो तो ये लगभग लगभग 70 है, 35 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 2 आना चाहिए, 2 के आसपास। कोई ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, 1.969, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको? तो सीटी में आपको आसपास का भी अगर आंसर लाओगे तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट करते बैठो और टाइम वेस्ट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, देखो ये भी बहुत ही फालतू और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इफ ए इज डबल्ड कीपिंग बी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। आपको बोल रहा है कि एक रिएक्शन है जो ए प्लस बी प्रोडक्ट देता है, और जब मैं ए को डबल कर देता हूं, ए को मैं डबल कर देता हूं, तो जो अपना रिएक्शन का रेट है वो भी डबल हो जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान दो कि बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो मुझे बता दो ए का ऑर्डर क्या है। एकदम सिंपल है, पहले आप इसका रेट लिखने का ट्राई करो, रेट इक्वल टू के इंटू, मान लीजिए ए का ऑर्डर एक्स है और बी का ऑर्डर वाई है, मुझे बताओ क्या बी कॉन्स्टेंट है, तो बी तो बाहर हो गया, तो मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू एक्स, क्योंकि बी तो कॉन्स्टेंट है, तो मतलब, और इसने बोला है कि ए जब डबल होता है तो रेट भी डबल होता है, मान लो अब देखो रेट को मैंने डबल किया, ए को मैंने डबल किया और अपना रेट भी डबल हो गया, और ए का पावर क्या है, एक्स है, मतलब कि अगर ए का पावर 2^x है तो क्या यहाँ 2^1 है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब कि ऑर्डर कितना होगा रिएक्शन का, ए का, ऑप्शन सी 1। क्या एकदम इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इसने क्या बोला था, ए को हमने डबल किया, बी को कॉन्स्टेंट रखा तो रेट डबल हो जाता है। इसको फटाफट आप कर सकते हो, मान लीजिए कि रेट का फॉर्मूला है रेट इक्वल टू के इनटू ए रेस टू एक्स बी रेस टू वन, क्या बी कॉन्स्टेंट है, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू एक्स, क्या आप ए को डबल कर रहे थे और रेट भी डबल हो रहा था, और क्या 2^x, क्योंकि आपने माना एक्स ऑर्डर है तो 2^x है और यहाँ 2^1 है, मतलब एक्स की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब अगर मैं बात करूं तो 11th में शिफ्ट 2 के मैंने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लिख के रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन 6 टाइम्स पूछ लिया, एक रिएक्शन को देख के रेट लिखने का, तो
तो ये मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्लीज ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ के मत जाना। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स आएगा, एक रेट वाला ये वाला, और एक आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से हाफ लाइफ वाला या टाइम रिक्वायर्ड वाला फॉर्मूला, दोनों में से एक आएगा। ये दो तो फिक्स है, तीसरा क्वेश्चन भले ही चेंज हो सकता है बट ये दो टाइप तो फिक्स है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है एन टू गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2 अमोनिया गैस। चलो फटाफट मुझे इस रिएक्शन का पहले नाम बता दो, इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है सीटी में, बताओ। सबसे पहले तो रिएक्शन का नाम क्या है, हैबर्स प्रोसेस। इसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है, एफई। प्रोमोटर क्या यूज होता है, एमओ। इतना आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इस रिएक्शन के बारे में, बेसिक चीजें। ठीक है, चलो अब देखो इस रिएक्शन को, मैंने आपको रेट लिखना सिखाया है, रेट बताओ क्या होगा इसका, एवरेज रेट क्या। इधर टोटल कितनी एंटिटीज है, तीन, तो फॉर्मूले रेट के कितने होंगे, तीन। मुझे बताओ N2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है मतलब माइनस। देखो इसका आंसर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। और क्या N2 का जो डिजिट है वो वन है, मतलब कि वन बाय वन वन ही होता है, तो डी एन टू, या डेल्टा के टर्म में भी लिख सकते हो, जब आप एवरेज लिखते हो तो डेल्टा के टर्म में लिखने का, डेल्टा एन टू डिवाइड बाई डेल्टा इक्वल टू एच टू। क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट तो कम होता है ना, तो माइनस। डिजिट कितना है इधर, तीन, मतलब कि माइनस वन बाई थ्री, डेल्टा एच टू डिवाइड बाई डेल्टा टी। चलो एनएच थ्री क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब प्लस, और क्या है टू दिया है, तो मतलब कि वन बाई टू, मैंने बोला है जो भी नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, डेल्टा एनएच थ्री डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए ही सिर्फ ऐसा है, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप सोच सकते हो, इतना ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का गरज नहीं है। मुझे बताओ N2 और H2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, दोनों रिएक्टेंट है ना, तो इन दोनों के सामने माइनस रहेगा। अब आप ऑप्शन ए में देखो, इनमें दोनों में माइनस है, ऑप्शन बी बाहर हो गया क्योंकि यहां माइनस है बट यहां प्लस है, ऑप्शन सी में भी दोनों में माइनस है, ऑप्शन डी में भी दोनों में माइनस है। और एक तरीके से देख सकते हो एच टू, एच टू में क्या थ्री है, मतलब कि वन बाय थ्री होना चाहिए, ना वन बाय थ्री इसमें, ना वन बाय थ्री इसमें, मतलब किसी का ऑप्शन ए बचा, तो लिखने का कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको बस जस्ट देखना और ऑप्शन देखना, आंसर आपका 10 सेकंड में रेडी और टिक भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के आपका पूछ रहे, ठीक है कोई बात नहीं। इफ 80% ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड इन अ 15 मिनट, टाइम आपको दिया हुआ है 15 मिनट। अच्छा कुछ लोग क्या होता है ना, बहुत ही फटाफट थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मिनट को सेकंड में करने लग जाते हैं। भाई आप एमसीक्यू देखो, केमिकल काइनेटिक्स के जनरली एमसीक्यूज के आंसर मिनट में ही रहते हैं, तो आपको कन्वर्ट वन्वर्ट नहीं करना है, ये याद रखो। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी इंटू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट बाई ए टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो ही फॉर्मूला ही है, एक तो ए वाला और एक तो हाफ लाइफ वाला, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, ये दो में से एक फॉर्मूला तो हर फेज में पूछ ही रहा है। चलो आप बताओ मेरे को 2.303 टाइम कितना दिया है, 15 लॉग टू द बेस 10, ए नॉट दिया हुआ है क्या, नहीं सर, 80 दिया हुआ है क्या, नहीं सर, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बोल रहा है कि 80% कंप्लीट हो गया, रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है 15 मिनट में। मान लो कि पहले 100 था, मतलब कि ए नॉट मान लीजिए कि 100 था, और उनमें से 80% रिएक्ट कर चुका है, मतलब बचा कितना, सिर्फ 20 बचा। याद रखो जो रिमेन होता है वो 80 होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए नॉट को तो 100 लिखते हैं और 80 को 80 लिख के चले आएंगे, नहीं भाई, 80 मतलब जो बचा हुआ है, और अगर 100 में से 80 गए तो बचा कितना, 20 ही तो बचा, मतलब कि 100 डिवाइड बाई 20 मतलब कि 5 आ जाएगा। तो लॉग टेबल आपको वहां मिलता है, टेंशन मत लो, 2.303 डिवाइड बाई 15, और क्या लॉग 5 आ जाएगा, लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7 होती है। 2.3 को अगर 0.7 से वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 23.7 जा कितना होगा, 23.5 जा 115 138 161, मतलब कि ऑलमोस्ट इसका आंसर 1.6 के आसपास आएगा, 1.61 के आसपास डिवाइड बाई 15, मतलब इसका अप्रोक्स आंसर 0.11 के आसपास आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, समझा क्या आपको,
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पेशेंटली आराम से सॉल्व करने का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे 12th में सिर्फ 1 में टोटल 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, दो क्वेश्चन यहाँ देखो मैं लिखा हूं, जो क्वेश्चंस मैंने प्रेडिक्ट किए वही क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ दोनों जो फॉर्मूले दोनों वही फॉर्मूले का क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ मोटा मोटा याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आना चाहिए, रेट निकालना आना चाहिए ऑर्डर से और रिएक्शन से, यही चार ही चीज केमिकल काइनेटिक्स में 99% यही पूछता है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द टाइम नीडेड फॉर अ रिएक्टेंट, टी पूछ रहा है, कभी के पूछता है कभी टी पूछता है, घुमा फिरा के। टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई के, जब के पूछता है तो के इधर रख देने का, जब टी पूछता है तो टी इधर रख देने का, इनटू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाई एटी। व्हाट इज ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज एटी, जो बचा हुआ है, रिमेन है, जो खत्म हो गया वो नहीं, जो बचा है। टू डिकम्पोज 99.9% इफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.576 पर मिनट, मिनट है, कोई कन्वर्जन का गरज नहीं है, क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 0.576। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लॉग टू द बेस 10। मुझे बताओ, मान लो कि इनिशियल ए नॉट जो है 100 है और खत्म कितना हो गया 99.9, अगर 100 में 99.9 चला गया तो कितना बचेगा, 0.1 बचेगा क्या, और 0.1 क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो क्या 100 को मैं 10^2 लिख देता हूं और 0.1 को क्या लिख रहा हूं, 10^-1, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय 0.576 इनटू लॉग टू द बेस 10 10^3, K3 इधर आ जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 0.576 इनटू 3। बताओ मुझे क्या आ जाएगा, 2.3 इनटू 3 कितना होता है, 6.9 डिवाइड बाय 0.5, इसको मान लो 0.6 मान लो, तो इसका आंसर लगभग अगर आप देखोगे, 0.6 तो नहीं मान सकते पूरा, बट अगर आप इसका आंसर लगभग देखोगे तो आपका 12 के आसपास आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन बी 12 मिनट। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इसी दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये लोग पूछ रहे, के की वैल्यू इन्होंने पूछा है, इफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 40 मिनट। क्या मतलब, कुछ भी, एकदम इजी क्वेश्चन, क्या हम लोग कितनी बार देख चुके हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के 0.693, ठीक है, लेकिन यहां आपको क्या दिया, रेट कॉन्स्टेंट पूछा है और हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 40 इक्वल टू के, ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख दो 69.3 इंटू 10^-2 डिवाइड बाय 40। अगर आप इसको कट करोगे तो ऑलमोस्ट अगर 70 होता इधर तो 1.75 होता, तो 1.75 इंटू 10^-2, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय के, इसका ये टोटल अब तक पांचवा क्वेश्चन है और इसका भी ये तीसरा चौथा है, और जो रेट से रिएक्शन लिखते हैं उसके भी हमने 6 क्वेश्चंस देखे, देखा जाए तो सिर्फ यही 3-4 चीज पूछता है। अब अगर मैं बात करूं आपसे 12th में शिफ्ट 1 का 3rd क्वेश्चन, बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, सीधा एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द रेट लॉ फॉर 2 NO गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 NOCl गैस इफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर इन NO एंड फर्स्ट ऑर्डर इन Cl2। एकदम सिंपल है, इसका आपको क्या पूछा है, रेट लॉ। रेट लॉ में हम क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, रेट इक्वल टू के इनटू, बताओ रिएक्टेंट में क्या है, जो रिएक्टेंट में उन्हीं से फर्क पड़ता है, एक NO है और एक Cl2 है, और ये बोल रहा है कि NO के लिए रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, जबकि Cl2 के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 और पावर 1 मतलब, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ही आप ध्यान से देखो, रेट इक्वल टू के इंटू NO का स्क्वायर इंटू Cl2। क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 12th में सिर्फ 2 के, टोटल 3 क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने जब पार्ट 1 पढ़ा रहा था इस वीडियो का, उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया इस टाइप का, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने आपको इसका एकदम अच्छा ट्रिक बताया कि जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, ओवरऑल बोलो या नेट रिएक्शन होती है, नेट रिएक्शन में
नेट रिएक्शन में वो एंटिटी नहीं दिखेगा आपको, वो कंपाउंड आपको नेट रिएक्शन में नहीं दिखेगा। स्टेप वन में वो बनेगा, स्टेप टू में वो कंज्यूम हो जाएगा, और ओवरऑल बन गया, कंज्यूम हो गया स्टेप टू में, मतलब वो खत्म हो गया, नेट रिएक्शन में दिखेगा नहीं। ऐसा कौन सा है जो स्टेप वन में बन रहा है और स्टेप टू में कंज्यूम भी हो जा रहा है? एनो को देखो आप ध्यान से, स्टेप वन में टू एनो बना और स्टेप टू में टू एनो रिएक्ट करके कंज्यूम हो गया, तो क्या है, खत्म हो गया। और ओवरऑल क्या रिएक्शन दिख रहा है, ओवरऑल रिएक्शन में, नेट रिएक्शन में क्या एनो दिख रहा है? नहीं, मतलब यही इंटरमीडिएट है, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या? तो सीधा याद रखो, जो स्टेप वन में कंज्यूम हो गया स्टेप टू में बन गया, या फिर ऐसा भी याद रख सकते हो कि बन गया और कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, ओवरऑल में दिख ही नहीं रहा है, मतलब कि वो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, जैसे कि यहाँ एनओ। समझा क्या आपको? अगर मैं ट्वेल्थ में सिर्फ टू के बाकी के क्वेश्चन की, दोनों क्वेश्चन की बात करूं, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 23.03 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स रेट कॉन्स्टेंट। वही सेम क्वेश्चन, के इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी इनटू लॉग टू द बेस 10 ए नॉट डिवाइड बाय ए टी। वही सेम क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है? ये फॉर्मूला बहुत बार अपन कर चुके सॉल्व, तो क्या आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है, 23.03 लॉग टू द बेस 10। बताओ क्या 20% डिकम्पोज रहा है? मान लीजिए कि कोई 100 था, 100 मतलब ए नॉट था 100, और उसमें से 20% डिकम्पोज हो गया, मतलब 20 चला गया, तो बचा कितना, 80, मतलब कि 80 की वैल्यू क्या होगी, 80, ठीक है? तो 100 डिवाइड बाय 80, ठीक है? तो अगर इसको सॉल्व करोगे, 23.03 को 2.03 से काटोगे, 10^-1 आ जाएगा, 10^-1 लॉग टू द बेस 10, 100 डिवाइड बाय 80 कितना था, 1.25, तो लॉग 1.25। इतना समझ गया क्या, ठीक है? 10^-1 इंटू लॉग 1.25 की वैल्यू कितनी होगी? देखो लॉग 1.25 की वैल्यू होती है 0.0969, ठीक है? तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखोगे तो कैसा लिख सकते हैं, 9.69 इंटू 10^-3, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 9.69 इंटू 10^-3 पर मिनट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर लॉग टेबल मिलता है क्या सीटी में? बिल्कुल लॉग टेबल मिलता है, ठीक है? नेक्स्ट, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव सी एट 25°C इज गिवन बाय। देखो ऑर्डर वाला है, तीसरा क्वेश्चन है, अब तक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुका है। तो इसने रेट सामने से दे दिया है, रेट इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, एकदम सिंपल है, ठीक है? ए इसने सामने से दिया है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट आपसे पूछ रहा है, इफ रेट कॉन्स्टेंट एट सेम टेम्परेचर इज 6.25, मतलब के आपको दिया हुआ है 6.25 इंटू ए आपको कितना दिया, 1 दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1^1। बी आपको कितना दिया हुआ है, 0.2, और 0.2 का क्या है स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखोगे, 0.2 को हमेशा आप ऐसा लिखो 2 × 10^-1 का स्क्वायर। सर आप ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जनरली पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हो, तो 6.25 इंटू 2 का स्क्वायर 4 × 10^-2, 6.25 को 4 में किया तो 25 × 10^-2, मतलब कि 0.25। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसी के साथ हमने पार्ट टू के चार फेजेस भी कंप्लीट कर दिए। इसमें अपने को 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करना था और 12th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 करना था। टोटल इसमें भी हमने 12 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। तो अब तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के 24 एमसीक्यूज डिस्कस किए, बाकी के 12 क्वेश्चंस पार्ट 3 में आ जाएंगे, ठीक है? थैंक यू।